नमस्कार दोस्तों, इंदु की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए फ्लिपकार्ट से मैं क्या मंगवा ली हूँ जो बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, ये इस टाइप का टेप मंगवाई हूँ मैं, जिससे बहुत ही बढ़िया डेकोरेट होने वाला है घर, वो आप सबको यहाँ पर शेयर करूँ। ये देखिए, इस तरीके का है, गोल्डन टेप है जो कि मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ। ये गैप आप देख सकते हैं, ये देखिए कैसे काला काला जैसे दिख रहा है ना, थोड़ा गंद की टाइल्स का दोनों का जो गैप होता है उसमें गंदगी जैसा बैठ जाता है, उसमें मैं ये लगाने के लिए टेप मंगवाई हूँ, जिससे बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। तो देखिए कितना अच्छा लगता है, आप लोग भी लगवा सकते हैं। इसका ये जो है ना नाम मैं दिखा रही थी कि क्या है, कौन सा टेप है, और इसमें लिंक भी डाल दूँगी मैं, तो आप लोग मंगवा सकते हैं। बढ़िया है, बल्कि बिल्कुल बराबर होना चाहिए ना, जैसे ज़मीन ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, टाइल्स जो बराबर रहना चाहिए और बीच में सिर्फ गैप हो, तो उसमें लगाने से ये नहीं निकलता है। काफ़ी दिनों से मैं लगा रखी हूँ, उसके बाद ये रिव्यू यहाँ पे शेयर करूँगी। देखिए इस तरीके से इसको उखाड़ने के लिए, देखिए एकदम पतला सा है बिल्कुल, कि ज़मीन में बिल्कुल एकदम है ना मिक्स हो जाता है, मैच नॉर्मल टेप जैसे होता है ना, उससे भी पतला ये लग रहा था बिल्कुल एकदम। और भी बहुत ही अच्छा साइन कर रहा है, झाड़ू पोछा पानी वानी किसी चीज़ से भी कुछ नहीं इसको मतलब डिस्टर्ब होता है, नहीं ख़राब होता है बिल्कुल भी। आप बस उसमें जो टाइल्स में नीचे लगा हुआ है उसको अच्छे से साफ़ कर लें, तो थोड़ा सा पहले उसको साफ़ कर लिए हैं, जो भी गंदगी वगैरह उसमें था साफ़ करके इस तरीके से यहाँ पर बैठाते जाएंगे। देखिए इसको खींचते जाएंगे और इसको यहाँ पर दबाते जाएंगे, तो ये लगा रहे हैं हस्बैंड जी और थोड़ा बहुत हेल्प कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से। तो कहीं कहीं ज़्यादा ही गैप था तो ये अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ये लगने के बाद देखिएगा कि कैसा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। यदि ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ खाबड़ मतलब ऊंचा नीचा ज़मीन आपका नहीं है, टाइल्स भी कई बार रफ़ लगा देते हैं ना, थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है कहीं कहीं, तो उसमें ये इतना काम नहीं करेगा। जैसे ही उस पर मतलब किसी चीज़ का ठोकर लग गया, या चेयर खींच रहे हैं या टेबल वगैरह कोई चीज़ का ठोकर लग गया, तो वो मतलब कि वहाँ पर से उखड़ने लगेगा, उखड़ने लगेगा मतलब थोड़ा सा टूट फूट होने लगेगा, ऐसा वाला होगा। यदि बराबर है तो कुछ नहीं होता है, पोछा लगाने से झाड़ू लगाने से ऐसे कुछ भी नहीं होता। देखिए इतना अच्छे से ये और कितना सुंदर दिख रहा है, ये देख सकते हैं। तो ये गोल्डन कलर में ही आता है जो मैं यहाँ पर मंगवाई हूँ, और भी इसका कई सारा डेकोरेशन है जो अलमीरा वगैरह पर भी लोग लगाते हैं, इसको बेड वगैरह में भी लगाते हैं, कहीं कहीं डिजाइनिंग भी करते हैं, दीवार में भी करते हैं, लोग बहुत तरीके से करते हैं। मैं बस यहाँ पे इसमें ज़मीन में इसको टाइल्स के गैप में डाली हूँ, जो आप सबके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। देखिए इस तरीके से पूरा लगा देंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक से ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप लोग लगाना चाहते हैं तो आप लोग भी मंगा करके ये सब है ना ऐसे लगा सकते हैं, जिससे बहुत ही अलग ही शाइनिंग आ जाता है घर में। इसको ये देख सकते हैं, या नॉर्मल जिसमें टाइल्स नहीं है वो लोग भी इसको लगा करके अपना टाइल्स का लुक दे सकते हैं। जैसे सीमेंटेड रहता है ना, नॉर्मल सीमेंट किया हुआ है उसमें भी आप ऐसे ऐसे करके जो डाल देंगे ना टेप, तो लगेगा कि टाइल्स लगा हुआ है और सुंदर दिखने लगेगा। ये देख सकते हैं इस तरीके से, ये देखिए ये लग गया, इधर से गैप दिख रहा है, तो इसको भी लगा करके पूरा कंप्लीट करेंगे। ये देख सकते हैं इस तरीके से किचन में लगाते हैं, पहले हॉल में लगा फिर किचन में, और जहाँ जहाँ मतलब कि दिख रहा है ये जगह सब लाइनिंग वगैरह वहाँ वहाँ लगाएंगे इसको, और पूरा लुक आपको अभी दिखाते हैं, थोड़ी देर में आपको देखने को मिल जाएगा पूरा लुक। ये देखिए कैसा दिख रहा है साइड से, और उस पर लाइट पड़ने से साइन भी कर रहा है, चमक आ रहा है, ये देख सकते हैं। थोड़ा सा उल्टा लाइट पड़ रहा है इसलिए इतना नहीं दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं। ये देखिए ये जो सीधा वाला है ना, उसमें पूरा एक सीधा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बहुत ही मतलब कि कम प्राइस का है ये, और इससे लुक बहुत ही बढ़िया आ जाता है घर में, देख सकते हैं अलग ही शाइन करता है। इसमें जब पोछा वगैरह लगाएंगे ना उसके बाद अलग चमकता है, अभी तो थोड़ा गंदा दिख रहा होगा क्योंकि ये सब काम हो रहा है, तो इतना अच्छे से साफ नहीं है अभी, और सामान इधर उधर किए हैं। और यहाँ पे देखिए लगने के बाद ये कैसा दिख रहा है, देख सकते हैं ये सीधा वाला ये हो गया, ये देखिए ऐसे पकड़ पकड़ के और सीधा बराबर करके इस तरीके से लगा दिए यहाँ पे, ये देख सकते हैं पूरा लगने के बाद ये लुक आप देख सकते हैं कि कैसा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ना, है ना। तो पसंद आया होगा आप लोगों को, तो आप लोग भी मंगाइए और इन्जॉय कीजिए, मतलब कि इसको लगा करके, और उसके बाद देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया लगेगा।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं इस तरीके से और भी नए नए वीडियो ब्लॉग के साथ। काफ़ी दिनों से गैप हो गया था लेकिन अभी आते रहेगा वीडियो वगैरह बीच बीच में, तो आप लोग ज़रूर जो है ना ये वीडियो सब देखिएगा, बहुत कुछ खास होने वाला है जो आप सबको आगे वीडियो ब्लॉग में पता चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।